स्वागत है आप सबका विमेन सुपर स्मैश कप के मैच नंबर 2 के अंदर। मुकाबला है यहाँ पे विलिंगटन ब्लेज बनाम ओटागो स्पार्क्स के बीच में, जो खेला जाएगा बेसिन रिजर्व विलिंगटन के ऊपर। मैच टाइमिंग है सुबह के 5 बजे। तो इस स्टूडियो में आपको टोटल 67 स्लाइड्स देखने को मिलेगी, जो आपको हेल्प करेगी बेस्ट फैंटेसी टीम बनाने के अंदर। सबसे पहले पिच रिपोर्ट देखेंगे, इस वेन्यू के ऊपर क्या स्कोरिंग पैटर्न होता है, किसको यहाँ पे हेल्प मिलती है स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स को, इसके बारे में आपसे बारीकी से बात करूंगा। स्टेडियम का डायमेंशन क्या है और इस पिच के ऊपर कितना बाउंस है अस कम्पेयर टू अदर वेन्यूज, उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। फिर आएंगे प्लेइंग 11 की तरफ, टीम का कॉम्बिनेशन क्या, स्क्वाड कितना स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे वीकनेस है। फिर हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखेंगे, हेड टू हेड नंबर्स, वेन्यू नंबर्स, प्लेयर का फॉर्म, आखिरी के अंदर मैचअप, किस बॉलर ने किस बैटर को कितनी बार आउट किया है। जैसे आप देख सकते हो, बेला जेम्स अगेंस्ट ज़ारा ज़ेटली 9 इनिंग्स में 5 बार आउट हो चुकी है, 57 गेंद में 50 रन है। ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट देने की कोशिश करूंगा, जो आपको हेल्प करेंगे टॉप क्लास टीम बनाने के अंदर। तो पूरा वीडियो देखना, आपको मजा आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्या फायदा है। सुबह 4:30 बजे टॉस होगा, 5 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। इस 30 मिनट के अंदर आपको मैं प्लेइंग 11 ला के दूंगा, पिचेस की फोटोज ला के दूंगा और फाइनल टीम पोस्ट करके दे दूंगा। टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द की फैक्टर, पिच रिपोर्ट। बेसिन रिजर्व विलिंगटन का मैदान है, बड़ा एक खूबसूरत ग्राउंड है ये। इस वेन्यू के ऊपर आप देखें, लास्ट टाइम वुमेन्स का T20 मैच खेला गया था 23 जनवरी 2023 को। मैच था यहाँ पे विलिंगटन ब्लेज वर्सेस कैंटरबरी मैजिशियंस का। उसमें क्या हुआ था, जो टीम पहले बैटिंग करने आती है 131 बनाती है 6 विकेट गवा के, फिर जो टीम चेस करने आई वो 87 पे सिमट जाती है, 208 बन गए, क्योंकि लॉरा एरिस इस मैच में खेली थी और 60 रन बना के जाती है मात्र 25 से 30 गेंद के अंदर। फिर जो टीम चेस करने आती है 94 रन पे सिमट जाती है, 142 बना 2 विकेट गवा के। बारिश आती है मैच के अंदर और जो टीम चेस करने आई 6.5 ओवर्स के अंदर 62 बनाती है 1 विकेट गवा के, 140 बना जो टीम चेस करने आई 81 पे रुक गई, 146 बना 5 विकेट गवा के, जो टीम चेस करने आई 127 पे 8 विकेट गवा के रुक जाती है। 155 का टारगेट दिया 9 विकेट गवा के, जो टीम चेस करने आती है वो 100 रन ही बना पाती है मात्र 20 ओवर के अंदर और 9 विकेट गवा देती है। तो आप देखेंगे जो पिछले 15 मैचेस यहाँ पे खेले गए हैं वीमेन मैचेस में, लड़कियों के गेम्स के अंदर 15 में से 11 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते गए हैं, मात्र 4 मैचेस चेस करते हुए जीते गए हैं। और अब ये जो वेन्यू है देखेंगे, विलिंगटन ब्लेज का होम ग्राउंड है, मैच कहाँ पे हो रहा है विलिंगटन के अंदर, टीम का नाम विलिंगटन, इनका होम ग्राउंड है, 29 में से 22 मैच जीता, इनका किला है, इनका गढ़ है, यहाँ पे बहुत कम हारते हैं। ओटागो स्पार्क्स सुजी बेट्स की टीम है, 5 में से 1 मैच जीती है और 4 मैचेस यहाँ पर हारी है। प्रति ओवर 6.8 के आसपास रन बनता है, एकदम हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं, जैसे 170-160 बन जाए, यहाँ पर 140 एक एवरेज स्कोर देखा जाता है। विनिंग स्कोर भी है, लास्ट मैच के अंदर 8 विकेट पेसर का था, 7 विकेट स्पिनर्स का था, जो होता 23 जनवरी को। विकेट कॉलम को समझते हैं, लास्ट 15 मैचेस के अंदर पेसर्स ने 93 विकेट निकाला है, पहली पारी में 45, दूसरी पारी के अंदर 48 है, राइट आर्म पेसर 81, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 12 विकेट है, बिकॉज ऑफ मेनका सिंह जो पहले खेला करती थी इस टीम के लिए, अब नहीं खेलती वो। स्पिनर्स के 91 विकेट है, पहली पारी में 41, दूसरी पारी के अंदर 50, स्पिन भी यहाँ पर गेम में आती है। ऑफ स्पिनर्स के 64 विकेट है, लेग स्पिनर्स का 22, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 5 विकेट है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पिचेस की फोटोज की तरफ, ये 10 दिन पहले की पिच की फोटो है। रिसेंटली इस वेन्यू पे फोर्ड ट्रॉफी का मैच हुआ था दिसंबर के अंदर, 6-7 तारीख को मैच था विलिंगटन वर्सेस कैंटरबरी का, तब इस पिच का इस्तेमाल किया गया था। पिच देख सकते हैं, हमेशा इस पिच के ऊपर ग्रास मौजूद होती है, मैंने यहाँ पे लिखा भी था, ये देखो ग्रास प्रेजेंट इन द पिच, ये सूटेबल वाला सेक्शन है ना यहाँ पर, इस पिच पे आप हमेशा ग्रास देखोगे। बट इसका मतलब नहीं है कि लड़कियों के गेम में स्पिनर्स को विकेट नहीं मिलते, लड़कियों के मैचेस के अंदर स्पिनर ज़्यादा बॉलिंग करते हैं एज कम्पेयर टू फास्ट बॉलर्स, इस वजह से स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पिच देखो, सबसे लेटेस्ट फोटो पिच की, जब लास्ट टाइम सुपर स्मैश कप का मैच हुआ था तब ये पिचेस की फोटोज मैंने निकाली थी, और ये इंटरनेशनल मैच हुआ था न्यूजीलैंड वीमेन का, तब की पिच की फोटो है। डायमेंशन, सामने की बाउंड्री 74 मीटर होती है, स्क्वायर आपको 60 मीटर की देखने को मिलती है बेसिन रिजर्व के ऊपर। बाउंस की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा पेस एंड बाउंस विलिंगटन की पिच में देखा जाता है पूरे न्यूजीलैंड कंट्री के अंदर, अलग अलग वेन्यूज की बात करते हैं। और ये स्टेडियम बहुत प्यारा है, व्यू दिख रहा है आपको, ये साइड स्क्रीन के पीछे का व्यू है, देखो क्या व्यू आ रहा है, सब बहुत ही प्यारा स्टेडियम है ये।
और ये देखें ड्रोन व्यू, ये स्पेशल पिच रिपोर्ट है फ्रॉम द बेसिन रिजर्व लिंगटन। कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना, चैनल भी न्यूज सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो। न्यूज विलिंगटन प्लेस, लैंस ड्राइक हेड कोच है, कैप्टन मिलिया खैर, टाइटल 7 बार जीता, सबसे सफल टीम है 2021-19, 18-17, 14-12, 8। लास्ट ईयर रनर अप थे, 8 मैच जीता था, 1 मैच हारी थी, 1 मैच इनका नो रिजल्ट गया था। सोफी डिवाइन इस मैच में मौजूद नहीं है और ओटागो से कैट इब्राहिम मौजूद नहीं है, 2 बड़े खिलाड़ी इस मैच में नहीं खेलेंगे। हेड कोच ओटागो के क्रेग कमिंस, कैप्टन सुजी बेट्स, टाइटल 1 बार जीता 2016 के अंदर, लास्ट ईयर इस टीम ने एलिमिनेटर खेला था और लास्ट सीजन में 6 मैच जीता, 3 हारी, 1 मैच नो रिजल्ट गया था। एक टीम 10 मैच खेलती है। अब ये देखो हेड टू हेड नंबर्स, दोनों टीम्स ने 26 मैच खेला, एक तरफी बैटल रही है। विलिंगटन ब्लेज 20 जीती है, ओटागो स्पार्क्स 5 जीती, 1 मैच नो रिजल्ट गया है। जॉर्जिया फ्लिमर ओपन करेगी रेबिका बंस के साथ विलिंगटन ब्लेज के लिए, जो लोकल टीम है यहाँ की। मिल्या खैर वन डाउन इस टीम की कप्तान, लेग स्पिनर है, दोनों राइटी ओपनर्स हैं। लगन कैस्पिक राइटी बैटर ऑफ स्पिनर, बहुत ही शानदार प्लेयर है, इस टीम की वाइस कैप्टन है ये। कैटलिन की कैट चैंडलर पार्ट टाइमर लेग स्पिनर प्लस बैटर, जेस मैकफोडेन कीपर, जैस खैर वर्ल्ड क्लास इन स्विंग गेंदबाज, निकोल बर्ड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, जारा जैटली ऑफ स्पिनर है, नताशा कोडायरे राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है। बेंच पे जेमा सिम्स जाएंगे जो राइटी बैटर है। ओटागो के लिए सुजी वेट्स ओपन करती हैं अलॉन्ग विथ ओलिविया गेन, और सुजी वेट्स ऑफ स्पिन डालती हैं, RAM नहीं ऑफ स्पिन हो गए, कप्तान है। ओलिविया गेन राइटी बैटर है, पॉल इंग्लिश कीपर बल्लेबाज हैं, बेला जेम्स, कैटलिन ब्लैकली, फिर आपको हेली जनसेन दिखती जो सुपरस्टार प्लेयर है, फ्लैसिटी लेवन डेविस इस टीम की फॉर्मर कैप्टन रह चुकी हैं, एमा ब्लैक राइटर मीडियम फास्ट, एडन कार्डसन, सोफी अल्डरसन, मॉली लॉ। अब मैं आपको लेके चलूंगा एक इंटरेस्टिंग डेटा की तरफ, क्या वो डेटा, हेड टू नंबर सबको दिखाता हूँ, बट उससे पहले हम बात करेंगे लास्ट सीजन में प्लेयर्स ने क्या किया था, ये जानना भी बहुत जरूरी रहता है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले विलिंगटन ब्लेज की तरफ। रेबिका बंस लास्ट सीजन में इस टीम की हाईएस्ट रन स्कोरर थी, इन्होंने 10 मैच में 281 रन बनाया था। एमएलए खैर ने 7 ही मैच खेला, 244 रन ठोके। ब्लैगन कैस्पिक ने 9 मैच में 87 मारा, जेस मैकफोडेन ने 78 बनाए थे, और क्लीमर ने 3 ही मैच खेला, 49 किया, जेस खैर ने 7 मैच में 29 किया, कैटलिन किंग ने 17 किया, चैल्डर ने 2 मैच में 16 किया था। अब गेंदबाजी की बात करते हैं, इनकी तरफ से बॉलिंग करते हुए लगन कैस्पिक अलग ही प्लेयर है ये, 9 मैच में 16 विकेट निकाला। निकोल बर्ड ने 8 में 11, ओवर्स भी देख सकते हो कौन कितने ओवर डालता है। जेस खैर ने 10 विकेट निकाले 7 में, जैटली ने 10 में 9 विकेट निकाला, मिल्या खैर का 7 में 7 विकेट था, कैटलिन किंग का 7 इनिंग्स के अंदर 8 मैच खेल के 5 विकेट था। अब दूसरी टीम देखते हैं, ओटागो स्पार्क्स, कैट इब्राहिम 11 में 12 जो मौजूद नहीं है, एमा ब्लैक इज ए सुपरस्टार, 10 मैचेस में 12 विकेट, ऑल्डर्सो का 11 मैच में 7 विकेट था, एडन कार्सन ने 6 मैच में 7 विकेट निकाले, सुजी बेट्स ने लास्ट सीजन बॉलिंग करी थी 6 के 6 मैचेस के अंदर 15 ओवर डाला था इसने 6 मैचेस के अंदर मिला के और 4 विकेट निकाले, हेली अनसेन 6 में 4 विकेट, मॉली लॉ का 8 मैचेस खेल के 7 इनिंग्स में बॉलिंग करके 2 विकेट, कैटल ब्लैकी का 11 मैचों में 1 विकेट था। बैटिंग की बात करें, सुजी बेट्स सुपरस्टार प्लेयर, 6 मैचेस में 300 रन ठोक दिए जिसमें 2 अर्धशतक था और 1 शतक शामिल था, अलग प्लेयर है ये। कैट इब्राहिम मौजूद नहीं, पॉल इंग्लिश ने 11 इन मैचेस खेल के 200 रन बनाए, ओलिविया गेन ने 128 बनाया था 11 मैच खेल के 10 इनिंग्स में, बेला जेम्स ने 11 मैचेस में 117 किया, कैटलिन ब्लैकी ने 11 मैच में 94 किया, हेली एनसेन ने 4 मैचेस में 36 बनाया था, हेली एनसेन ने 15 किया था, वो तो लिंसी स्मिथ थी, इस तरह से परफॉर्मेंस आया था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बैक टू द पीपीटी। प्लीमर ने 6 मैचेस के अंदर 33 रन किया, 8 विकेट के अंदर 4-3-7-19, और वेन्यू के ऊपर 11 मैचेस में 76 रन से 96 का स्ट्राइक रेट फॉर्म, 5-10-28-4-52-17-2-147 जो उन्होंने रिसेंटली बनाया था विलिंगटन के लिए ही, 50 ओवर का मैच था वो, अच्छी प्लेयर है, फ्यूचर स्टार प्लेयर देखी जाती है, बहुत सॉलिड टेक्निक है। रेबिका बंस 12 मैच 145 रन 113 का स्ट्राइक रेट है, बैटिंग पर 0-13-30-12, चेस के ऊपर 8-2-21-27-32, ये क्या करती है, अटैक करके खेलती हैं, प्लीमर डिफेंसिव खेलती हैं, ये हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाली प्लेयर है जो रिस्क लेके खेलती है। वेन्यू पे 22 मैचेस का एक्सपीरियंस है, 460 रन से अद्भुत आंकड़े, 115 का स्ट्राइक रेट है, बैटिंग पर 18-2-0-14-32-42-30-1-12-26-24, चेस के ऊपर 0-6-21-62-27-53-2-3-24-26-35-35, फॉर्म 23-2-32-20-25-2-8-72 इस तरह से रहा है। आगे चलते हैं मिल्या खैर की तरफ,
17 मैचेस खेले इसने हेड टू हेड में, जी हाँ 29 विकेट्स हैं इनके, कमाल के फिगर्स हैं, 370 रन है और ये प्लेयर टू वॉच आउट ऑफ फॉर मी। स्पेशली इसकी टीम जब पहले गेंदबाजी करती है तो आप आग बंद करके मिलेखर को कैप्टन करो 11 की 11 ग्रैंड लीग टीम के अंदर, जितनी आप बना रहे हो 20 टीम बना रहे हो तो 20 टीम में मिलेखर को कैप्टन करो अगर ये इनकी टीम पहले गेंदबाजी करती है तो। बॉलिंग सेकंड में 7 मैच में 9 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट में 9 मैचों में 20 विकेट है सीधा, 2 बार विकेट लेस गई है अगेंस्ट ओटागो। वेन्यू पे 25 मैचेस का एक्सपीरियंस है, 507 रन है, 34 विकेटें हैं और देखते हैं क्या कर पाती है इस गेम में, सीरियस प्लेयर है वैसे। और इसका बॉलिंग फर्स्ट ही सन्ने पे मैं बताता हूँ आपको, डिजाइनर ने गलत टाइप किया है, 19 विकेट्स है 10 मैचेस के अंदर बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, और बॉलिंग सेकंड करते हुए इस वेन्यू के ऊपर इसके 15 विकेट है 14 मैचेस में। यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है बॉलिंग फर्स्ट में कितनी स्पेशल है, ये आप देख सकते हैं नंबर्स, मैं खुद टाइप करके रखता हूँ उनको और याद रहते हैं भाई। मैं सोच रहा हूँ 34 विकेट इसने बॉलिंग फर्स्ट में बहुत अच्छा किया था। फॉर्म 77 रन 2 विकेट 4 रन 0 विकेट 83 रन 2 विकेट। रबीका बंस का फॉर्म 23-2 बताया था आपसे। लगन कैस्पेक 10 मैचेस में 16 विकेट 78 रन है, बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में कुल मिला के इनके 3 मैचेस में 4 विकेट है, बॉलिंग सेकंड 7 मैचेस के अंदर 12 विकेट है, 2 बार विकेटलेस गई है, इकोनॉमी इनकी 6 के अंडर है, 12 का स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट का अर्थ होता है कितनी बॉल में विकेट निकालती है इस टीम के खिलाफ, हर 12 बॉल में 1 विकेट निकालती है। इस मैदान पे 23 मैचेस के अंदर 41 विकेट है, कमाल के आंकड़े हैं, 11 का स्ट्राइक रेट है सिर्फ। बॉलिंग फर्स्ट 8 मैच में 17, बॉलिंग सेकंड 15 मैच में 24 विकेट है, मस्ट पिक एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन की लिस्ट में आती हैं ये। जैस मैकफोडेन 12 मैच 7 कैच 6 स्टंपिंग 35 रन से थोड़ा नीचे बैटिंग करती है। वेन्यू के ऊपर 19 मैच खेला है, 12 कैच 20 स्टंपिंग है, जी हाँ स्टंपिंग बहुत करती है ये, और 73 रन है। फॉर्म 24 नाबाद 19 35 19 68, बट ये सब आया था इनका फोर्ड ट्रॉफी में, फोर्ड ट्रॉफी नहीं कहते उसको, हैलीबॉटन जॉनसन टी ट्रॉफी, 50 ओवर का मैच में ओपन करने आती है, बट ये सुपर स्मैश में बहुत नीचे बैटिंग करती है, स्लो खेलती है इस वजह से। जेस खैर 14 मैच 19 विकेट, मस्ट पिक, 58 रन है बोथ द इनिंग्स। और वेन्यू पे 22 मैच में 23 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 13 मैच में 12, बॉलिंग सेकंड 9 मैच में 11 विकेट है। न्यूजीलैंड की सुपरस्टार गेंदबाज है ये निकोल बर्ड, हेड टू हेड के अंदर 3 विकेट बॉल फर्स्ट। वेन्यू के ऊपर 4 में 4 विकेटें हैं, 5 की इकोनॉमी है, बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 0, बॉलिंग सेकंड 2 मैचेस में 4 विकेट है, 2 होगा तो ये इनके आंकड़े हैं। अच्छी प्लेयर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन डालती हैं, डंडों को टारगेट करने की कोशिश करती हैं। ज़ारा जेटली 6 मैचेस के अंदर 11 विकेट, 4.8 की इकोनॉमी है, बॉलिंग फर्स्ट 1 मैच में 2, बॉलिंग सेकंड 5 मैच में 9 विकेट है, 1 बार विकेट लेस गई हैं। इस वन भी थोड़ी सी शांत रही हैं, 18 मैच में 11 विकेटें, बॉलिंग फर्स्ट 4 मैच में 1, बॉलिंग सेकंड 9 मैचेस में 10 विकेट है, 6 बार विकेट लेस गई है। फॉर्म 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0-3 0-0 0-0-1, तो देखते हैं सरप्राइज फैक्टर लाती हैं। नताशा कोडाइरे हेड टू हेड नहीं खेली, वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 0 विकेट है, 1 ओवर का स्पेल था जिसमें 8 रन दिया था बॉल सेकंड करते हुए, फॉर्म नीचे आप देख सकते हैं 2-2 1-2-2, अच्छी गेंदबाज है वैसे ये भी। कैट चैंडलर 1 मैच में 1 रन है चेस करते हुए वेन्यू पे, फॉर्म 56-40 19 रन 4 विकेट, बहुत अच्छे फॉर्म में थे रिसेंटली हैलीबॉटन जॉनसन टी ट्रॉफी में जो चालू हुई थी नवंबर महीने के अंदर, 50 ओवर का मैच होता डोमेस्टिक। कैटलिन किंग 7 मैच में 9 रन, वेन्यू के ऊपर 14 में 16 रन, कोई खास नंबर्स बिल्कुल नहीं है। जेमा सिम्स के भी कोई खास नंबर्स नहीं है, ये स्क्वाड में नहीं है। डेना डॉटी, रैचल ब्रांड, सोफी ड्यूएन के भी स्टेट्स मैंने निकाल के रखे थे यार, खेल लेगी बट आई नहीं। मोनिका रीस स्टार्टिंग और जेस खैर, निकोल बर्ड, ज़ारा जेटली, नताशा कोडाइरे, बेहतर के अंदर एमिल खैर, लगन कैस्परिक, जेस खैर, ये 3 एक्सपीरियंस गेंदबाज आएंगे। सूजी बेट्स 21 मैचेस खेली है, 25 की औसत है, 534 रन है, 107 का स्ट्राइक रेट है, 350s है अगेंस्ट दिस टीम जो विलिंगटन है, 6-30 मतलब क्या होता है 30 से 50 के बीच में 21 इनिंग्स में। वेन्यू पे 7 मैचेस में 197 रन, बैटिंग फर्स्ट 8-23 47 नाबाद, चेस के ऊपर 33-54 1-31, फॉर्म बहुत अच्छा है, 24-74 108 51 नाबाद 18-28, इससे पहले फॉर्म में नहीं थी बट रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा रहा, न्यूजीलैंड देश में अच्छा खेलती है ये। ऑलवे अगेंस्ट 7 मैच में 32 रन, बैटिंग फर्स्ट 5-1, चेस के ऊपर 1-0 7-10 8, वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 9 रन है, कोई खास आंकड़े नहीं है, 10 में से 1 मैच में चलती हैं ये तो फिर हर मैच में लेके फायदा नहीं इनको। पॉल इंग्लिश 16 मैच 164 रन है, बैटर कीपर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है एज कम्पेयर टू जेस मैकफोडेन, बट जेस मैकफोडेन आपको कीपिंग से पॉइंट देके जा सकते हैं, उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं जो स्टंपिंग के मौके भरपूर देंगे। 4 कैच 2 स्टंपिंग इसने सिर्फ करी है 16 मैचेस खेल के, नंबर्स दिए हुए हैं।
वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 60 है, बैटिंग फर्स्ट 22, चेस के ऊपर 24-9-5, फॉर्म बहुत अच्छा है, 60-8-73, 48-8-1-1, 54-55-26। फिर आएंगे कैट इब्राहिम, मौजूद नहीं है, कैटलिन ब्लैकी 15 मैच 113 रन 0 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 5 मैच के अंदर 47 रन्स, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेती हैं, पार्ट टाइम बॉलिंग करा लेती है, राइट एंड मीडियम, फॉर्म 0 48 रन 0 विकेट 42-21-11-32-6 रन 2 विकेट है। हैली एनसेन 11 मैचेस खेले इसने हेड टू हेड के अंदर, 126 रन्स है 5 विकेट्स हैं, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 4 मैच में 6, बॉलिंग सेकंड करते हुए 4 मैचेस के अंदर 1 विकेट है। महंगी इकोनॉमी नहीं रही इतनी, 7 की है, मतलब ठीक ठाक है, इतनी ख़राब भी नहीं, 41 का स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट बहुत ख़राब है बॉलिंग से। वेन्यू पे 2 मैच में 2 विकेट आज तक बैटिंग नहीं आई, बॉलिंग फर्स्ट 1 विकेट, बॉलिंग सेकंड 1 विकेट, फॉर्म 7 रन 1 विकेट 3 रन 1 विकेट 2 विकेट। रिसेंटली इन्होंने क्रिकेट कम खेली है, पहले रेगुलर या न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा रहा करती थी। फ्लैसिटी लेडन डेविस 18 मैच में 7 विकेट 109 रन है, मोस्टली विद द बैट इनका रोल होता है। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 0 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, देखते हैं कैसा इनका सीजन के अंदर रोल रहेगा, सरप्राइज फैक्टर आ सकती हैं। हिमा ब्लैक मस्ट पे 11 मैचेस में 13 विकेट, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में 6 मैचेस में 11 विकेट है, बॉलिंग सेकंड 5 मैच में 2 विकेट अगेंस्ट विलिंगटन ब्लेज। वेन्यू के ऊपर 5 मैच में 6 विकेट है, सुपर स्टार बॉलर है, 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 4 विकेट 3 विकेट 1 विकेट। एडन गार्डसन ये भी सुपरस्टार है, 10 मैचेस में 9 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 6 मैच में 7, बॉलिंग सेकंड 4 मैच में 2 विकेट है, 3 बार विकेटलेस गई है, इस मैदान पे 5 में 5 निकाल चुकी हैं, बॉलिंग फर्स्ट 3 में 3, बॉलिंग सेकंड 2 में 2, 1 बार विकेटलेस गई है, फॉर्म 2-0-0-1, 10 रन 3 विकेट 14 रन 3 विकेट 5 रन 2 विकेट, अच्छी गेंदबाज हैं। ऑल्डरशो लेग स्पिनर, ज़्यादा हवा देती हैं, स्लो डालती हैं, 9 मैचेस में 5 विकेट है, चलिए तो चलिए राम भरोसे। वेन्यू के ऊपर 4 मैचेस में 3 विकेट हैं, 2 बार विकेटलेस गई हैं, फॉर्म 0-0-0-0-0-0-1-0-0-1। मॉली लॉ 4 मैचेस में 3 विकेट, राइट एंड मीडियम फास्ट गेंदबाज, वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 2 विकेट है, फॉर्म इतना खास नहीं है, 0-3-1-1-0-1-1 विकेट। बेला जेम्स 11 मैच में 88 रन्स हैं, वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 39 रन्स है। जैम एडम देख सकते हैं नंबर्स, स्टार्टिंग और इमा ब्लैक, इडन कार्सन, हैली एनसेन, मॉली लॉ, डेथ के अंदर इमा ब्लैक, इडन कार्सन, हैली एनसेन, ये 3 गेंदबाज आने चाहिए एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनको एक्सपीरियंस है, दैट्स वाई। जॉर्जिया प्लीमर वर्सेज इमा ब्लैक, 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 23 बॉल के अंदर 16 रन देके, मॉली लॉ ने उनको 8 बॉल में 15 रन देके, 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, फर्स्ट टीम ऑप्शन के सामने 10 इनिंग्स में 4 बार आउट हो चुकी है, T20 फॉर्मेट में 44 बॉल में 37 रन्स है। रविका बंस वर्सेज कोई खास मैचअप नहीं है, जैम एडम्स ने उनको 5 बॉल में 0 रन दिया, 2 बार आउट किया 2 इनिंग्स में। एमेला खैर अगेंस्ट ओल्डरसो 43 बॉल 54 रन्स, 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। लैक कैस्प्रिक वर्सेज जिमा ब्लैक 7 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 25 बॉल में 13 रन देके, इनको दिक्कत आती है ऑफ स्पिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन से। कैटलिन किंग वर्सेज जिमा ब्लैक 13 बॉल 6 रन, 4 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, दिस इज द मैचअप। कैट चैडलर वर्सेज जिमा ब्लैक 16 बॉल 6 रन 4 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, कार्सन ने भी इनको 1 बार चलता किया। जैस कैश वर्सेस कार्सन 11 बॉल 12 रन 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, जैस मैकफोडेन वर्सेस जिमा ब्लैक 60 गेंद 35 रन 7 इनिंग्स में 3 बार आउट किया हुआ। ये भाई साहब बहुत स्पेशल बैटल है और इसको निकालने में 3 घंटे लगे थे पूरे मैचअप्स को निकालने में, सिर्फ मैचअप, तो इस वजह से आपको क्वालिटी मिलती है, मैं फोकस करता हूँ इसके ऊपर। वीडियो तो मैं बना सकता है यार, ये प्लेयर चल जाएगी, वो चल जाएगी, इसको ले लो, उसमें मजा नहीं है, आपको फैक्ट चाहिए, नंबर चाहिए, तब मजा आता है। सुजी बेट्स के खिलाफ जैस खैर 38 बॉल 16 रन 7 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, डिफेंसिव खेलती हैं। मिले खैर ने 10 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, लैगन कैस्प्रिक ने 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 38 बॉल में 33 रन देके। ओलिविया गेन वर्सेस लैगन कैस्प्रिक 15 बॉल में 4 बार आउट किया, 6 रन देके 7 इनिंग्स में। जैस खैर 14 बॉल 16 रन 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, नताशा कोडायरे जो नई गेंद पकड़ सकती हैं 18 गेंद 15 रन 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। पॉली इंग्लिश अगेंस्ट मिलिया खैर 8 बॉल 7 रन, गूगली नहीं पढ़ पाती है, खुद कीपर होके भी कई बार 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। लैक कैस्प्रिक ने 8 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 51 बॉल के अंदर 45 रन देके। जैस खैर 32 बॉल 18 रन 8 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। बेला जेम्स लेकिन जरा जेटली 9 इनिंग्स में 5 बार आउट किया, लेगन कैस्प्रिक ने इनको 7 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 46 बॉल्स में 25 रन देके। कैटलिन ब्लैकी कोई खास मैचअप नहीं है, जैस खैर ने 7 बॉल में 7 रन देके, 2 में 2 बार आउट किया है। हैली एनसेन का भी कोई खास मैचअप नहीं है। फ्लैसिटी लेडन डेविस जरा जेटली 25 गेंद 16 रन 3 इनिंग्स में 2, लेगन कैस्प्रिक ने 48 बॉल के अंदर 25 रन देके 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। कैट इब्राहिम के स्टैट्स मैंने दिए, बाई चांस आ जाती स्टैट्स देख लेना, यहाँ पे भी मैंने आपको स्टैट्स दिए हैं और स्लाइड में भी दिया था मैंने, आप देख सकते हैं, ठीक है।
अब चलते हैं, बिग बैश लीग चल रही है, 1 करोड़ रुपीस की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड है भाई, इसमें मेरा भी फायदा है, मेरे को एफिलिएट मिल जाएगा, और दूसरा फायदा आपका ही होगा जो आपने इन्वेस्टमेंट किया आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो भाई पार्टिसिपेट कर लेना, दोनों का फायदा, दोनों तराजू को बैलेंस कर रहा हूँ मैं। नो GST लिंक नीचे दिया हुआ है माई मास्टर 11 का। अमेला खैर, लगन कैस्प्रिक कॉमन कैप्टन, अलग जाना तो सूजी बेट्स है, हैली इनसेन है, जैस का रिडन कार्सन को रोटेट कर सकते हैं। चलते हैं टीम्स की तरफ। ये 9 प्लेयर्स तो आपको सब लाते हुए दिखेंगे, ये 9 प्लेयर्स तो मस्ट पिक है। अब आपको 2 प्लेयर्स छाटने, उसमें में आपकी गणित, आपकी जो रीजनिंग थ्योरी लगती है या जो आपने वीडियो देखी है, स्टैट्स देखे हैं, वो लगेंगे इसमें। अब मेरी भाई फिलहाल ऐसी टीम बनी है, एमएलए कैर कैप्टन, वाइस कैप्टन कैस्विक, फ्लैसिटी लेडन डेविस, एमा ब्लैक, एली एनसेन, जैस का रिडन कार्सन, निकोल बर्डर से मैंने 11th प्लेयर लिया हुआ है, 10वीं प्लेयर मेरे जॉर्जा प्लीमर, इनको भी मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, और निकोला बर्ड को भी। ये 2 प्लेयर्स के बिल आप किसी और को लेके जा सकते हो। ये जो 9 प्लेयर्स है ना जिन पे मैंने सर्कल नहीं मारे, ये तो आपको टीम में रखने ही है, ठीक है। इसमें फ्लैसिटी लेडन डेविस है जिसका रोल कंफर्म नहीं रहता कभी भी, कितने ओवर डालेगी देखने लायक होगा। बॉलिंग करने से चालू कर दिया, लास्ट सीजन में इसने बॉलिंग नहीं करी थी, सीजन में बॉलिंग कर सकती है बिकॉज हैलीबॉटन शील्ड ट्रॉफी में बॉलिंग करी थी। कीपिंग में पॉल इंग्लिश मच बेटर है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करती है, जैश मैकफर्डिन डाउन दौड़ हराएंगी, बैला जेम्स को ग्रैंडली में रोटेट कर सकते हैं। सूजी इंपॉर्टेंट है, ब्लैक की आप ट्राई कर सकते हैं, इसने भी लास्ट सीजन में अच्छे पॉइंट्स दिए थे। प्लीमर थोड़ी शांत रहती है बट अच्छी प्लेयर है, धीरे धीरे इसकी डेवलपमेंट देखने को मिली है। रेबेका बंस लप्पे मारने आती है लंबे लंबे, बहुत हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली प्लेयर, आप ट्राई कर सकते हैं उसको, बहुत अच्छी प्लेयर है वैसे रेबेका बंस। ऑलवे गेन का थोड़ा फॉर्म कंसर्न रहा है, एमएलए खैर लेकिन कैसे डिवाइन नहीं खेलेंगी, फ्लैसेट एंड लेडविस, इमा ब्लैक हैं, और आगे की तरफ चलते हैं। हेलियनसन इंपॉर्टेंट, जैस खैर एक अच्छी पिक है, एडन कार्सन है, ज़ारा ज़रेटली को ग्राइंडिंग में रोटेट करना, बहुत प्यारी क्रिकेटर है ये भी। निकोल बर्ड इंपॉर्टेंट है, ओल्डर शो थोड़ी सीरीज की, कोडाइरे कैन बी द एक्स फैक्टर फॉर सम टीम, अंडर 19 की सुपरस्टार रह चुकी हैं। तो देखते रहिए स्टैट्स, रुजी मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर, लव यू गाइस, सी यू सून, जय हिंद।